अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपने थामिल पर ठीक पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो है पंजाब रेंजर के कॉल लेटर बाकायदा से निकल रहे हैं और मेरे कज़न का भी आ गया है फ्रेंड्स, और इसके रिलेटेड मैं आपको बाद में तफसीलात बताता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पंजाब रेंजर वाले जो हैं मेरिट जो हैं ये खुद बनाते हैं, ये किसी को नहीं बताते कि मेरिट्स क्या बन रहा है, क्या या क्या नहीं बन रहा। और फ्रेंड, इसमें जो सीट्स थी तकरीबन 2000 सीट्स हैं, 2000 बंदा उन्होंने बुलाना है। और फ्रेंड, कुछ कैंडिडेट्स अनफिट होके जो हैं कि तो फिर दोबारा नए से कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो फ्रेंड, जो का नो नंबर आपने दिया था उस नंबर को आपने बाकायदा से ऑन रखना है, उसी नंबर पर आपको मैसेज करेंगे, कॉल के ज़रिए आपको बताएंगे। तो अगर आपका नंबर वो बंद है जो आपने वहाँ पर दिया था, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस नंबर को खुदारा ऑन कर लें, ऐसा ना हो कि आपको मैसेज आए और आपका नंबर आगे से बंद हो और आपकी जगह कोई और सिलेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपने नंबर ऑन कर लेना है। और जी हाँ दोस्तों, आप बात बता दूँ कि जो मेरे कज़न का लेटर आया है फ्रेंड्स, वो तकरीबन एक दिन पहले ही आया है फ्रेंड्स, और उसने जो है फ्रेंड्स बाकायदा से मंडी बहाउद्दीन ट्रेनिंग के लिए जाना है। और फ्रेंड, बहुत ही खुश था कि उसका कॉल लेटर आ चुका है फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स कह रहे थे कि कॉल लेटर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, लेकिन जो है फ्रेंड्स, कॉल लेटर का अभी तक जो सिलसिला है जारी है, मुहर्रम की वजह से कोई बात नहीं हुई, तो फ्रेंड्स इनके जो है कॉल लेटर बाकायदा से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।